पेपर मैशी के साथ मुझे बचपन से ही मैं करता आया हूँ। मैंने सीखा है अपने घर में ही, हमारे चाचा ये काम करते थे तो उनसे मैंने सीखा था। असल में ये कागज़ का होता है, पहले वो कागज़ 5-10 दिन पानी में रखते हैं, फिर उसको कूटते हैं, फिर वो जो चावल का आटा होता है फिर वो उस कागज़ के साथ मिलाते हैं तो वो एक पेस्ट जैसा बनता है, एक सांचा होता है, वो लकड़ी का होता है। उसके ऊपर पहले एक बार लगाते हैं, पहले तो कागज़ का गिलाफ उसको बोलते हैं, वो गिलाफ करते हैं क्योंकि वो उस लकड़ी के साथ टच ना करे तो फिर वो निकलेगा नहीं, इसलिए कागज़ के ऊपर ही माया करते हैं, जैसे इसको ऊपर गिलाफ करते हैं। फिर उस सांचे के ऊपर लगाते हैं पहले एक वो पेस्ट, उसके बाद जब वो सूख जाता है तो फिर वो पूरा बन जाता है। फिर जब निकालते हैं वो कागज़, फिर एक पत्थर होता है जिसको जो बोलते हैं पिछलाई, फिर उससे पिछलाई करते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम पेंट करते हैं, अपने कलर करते हैं जो जिसको चाहे, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं कलर के ऊपर। असली ये आर्ट आया है ईरान से, सुना है हमने भी उस वक्त करते थे लोग, यहाँ पर भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे मतलब मुख्तलिफ, तो उनसे हमने भी सीख लिया है, हमारे घर में ये काम होता रहता था।